हेलो एंड वेलकम टू इजी ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप लोग? हम लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर पॉलीमर, जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में सीखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने अपने पॉलीमर्स को तीन टाइप में क्लासिफाई किया था, नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलिस्टर के कितने टाइप होते हैं। तो यस, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, जैसे भी पॉलीमर का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से पॉलीमर्स को तीन टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला आता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा आता है ब्रांच चेन पॉलीमर और तीसरा आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, जिसको नेटवर्क पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। तो लीनियर पॉलीमर क्या होता है? दिस पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन। इन पॉलीमर्स में क्या रहता है, एकदम लॉन्ग और एक स्ट्रेट चेन जैसे रहती है। द एग्जाम्पल आर हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, दीज आर रिप्रेजेंटेड एज, जो आपके सामने ऐसा दिख रहा है, तभी इसको क्या बोलते हैं अपन, लीनियर पॉलीमर बोलते हैं। लीनियर पॉलीमर मतलब क्या, एकदम लीनियर रहता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की ब्रांच नहीं रहती है, साइड चेन नहीं रहती है, जो खाली लीनियर पॉलीमर है। ऐसे जो कहाँ पे मिलते हैं हम लोगों को ऐसे वाले पॉलीमर्स, पॉली विनाइल क्लोराइड में या फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन में, दीज आर रिप्रेजेंटेड एज ये सामने वाला स्ट्रक्चर। दूसरा आता है ब्रांच चेन पॉलीमर, इसमें क्या रहता है, दिस पॉलीमर्स कंटेन्स लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेस, एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन, दीज आर डिपिक्टेड एज फॉलोज। तो एक चेन है लॉन्ग चेन और जिसमें क्या ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस दो चेन को एक दूसरे से जोड़ नहीं रही, जैसे आप क्लियरली देख सकते हैं इसको, ये एक दूसरे को मतलब पहली वाली जो लाइन है और दूसरी वाली जो लाइन है उनके बीच में जो साइड चेन है ना, वो दोनों को जोड़ नहीं रही है। दिस पॉलीमर्स कंटेन्स लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, एग्जाम्पल लो डेंसिटी पॉलीथीन। और तीसरा आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, और जिसको बोल सकते हैं नेटवर्क पॉलीमर, दीज आर यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या आता है, किसी भी पॉलीमर का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा पार्ट जिसको बोलते हैं मोनोमर, वो बायफंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स की वजह से ऐसे टाइप के पॉलीमर्स बनते हैं। दीज आर यूजुअली फॉर्म फ्रॉम बायफंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स एंड कंटेन्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन वेरियस लीनियर पॉलीमर चेन। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जो कि ब्रांच चेन का है, वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी है, लेकिन दो चेन एक दूसरे से जुड़ी होती है बिकॉज ऑफ बायफंक्शनल एंड ट्राईफंक्शनल मोनोमर्स। ठीक है, एग्जाम्पल बैकेलाइट, मेलामाइन, दिस पॉलीमर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने देखा शॉर्ट ट्यूटोरियल में कि हाउ टू क्लासिफाई पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें आता है लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। So see you in the next video. Thank you very much. Kindly subscribe, like, share and comment.